ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा की पालना मिली है तो ऐसे ही कहेंगे कि समय रहते संगम युग पर बाबा ने हमको चुन लिया। जो सबकी पालना मुझे मिली, एक एक महारथियों की मिली। हमारा यज्ञ उस समय भरपूर था, सब दादियाँ, सब दीदियाँ, बाबा मम्मा सभी दादे, तो ऐसा कोई नहीं रहा जिसको कि मैंने इन आँखों से परिवार को ना देखा हो। और हर एक में हर एक विशेषता है, तो हर एक में होता था। जैसे हमारी बड़ी दीदी की माँ कोई मदर थी, जो बाबा का रूम है वहाँ कुर्सी डाल के बाहर बैठी रहती थी। और बाबा ने सब बहनों को बोला था, दादियों को, कि कोई मदर को जो कोई भाषण करना सिखा देगा तो इनाम में मैं गिफ्ट में वो दूंगा, चांदी का गिलास। लेकिन वो भाषण करना कोई नहीं सिखा पाया। और उनकी क्या था कि जो कोई उनके सामने से पास होता था, गुजरता था, पहचान है नहीं है, वो उसको प्यार से बुलाती थी, मिठरी इधर आओ, मिठरी इधर आओ। तो जब बुलाया जी, कहती देख तुझे जीवन में सफलता पानी है तो कौन कहेगा मुझे नहीं सक्सेस होना है। कहती थी तीन बातें याद रखो, मर मर, झुक झुक और सिख सिख। कभी मुंह से ना मिले कि क्या हम ही मरते रहेंगे, हम ही को दबाया जाएगा। उनको तो कुछ नहीं कहते, उनको तो सिर चढ़ाया हुआ है, हम ही को कहा जाता है। तो कहती थी मर मर, हर बात में मर के चलो और हमेशा झुक के चलो। जो झुकता है ना तो वो दूसरों को भी उठा लेता है। तो कहती हमेशा झुक के चलो। और तीसरा, सबसे सीखो। इसलिए दत्तात्रेय का मिसाल है कि उन्होंने 24 गुरु किए, तो एक एक से सीखना है। तो ऐसे यज्ञ में हर एक से जो पालना लिया है वो आज दिन तक भी जीवन में काम आ रहा है, और वो पालना ही है जो चल रहा है।